2,000 रुपए तक के भाव आपको अदानी इंटरप्राइज में देखने को मिल सकते हैं। का ट्रेड आ रहा है, लेकिन याद रखिएगा कल वैसे 8 तारीख है, अदानी एंटरप्राइजेस ट्रांसमिशन अदानी ग्रीन की बोर्ड बैठक है फंड रेस को लेकर, तो वहां से अगर कुछ निकल कर आता है तो वो भी मार्केट के रेडार पर रहेगा। अपॉर्चुनिटीज है इनके पास या ऑप्शन ज्यादा विकल्प है, या तो राइट्स इशू QIP या फिर प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के जरिए ट्रेड लेने के, लेकिन अदानी एंटरप्राइजेस में एक शॉर्ट कॉल इस समय आता हुआ। कुणाल राम्बिया, BTST या STBT? तो हर्षदा जी, हम BTSC देखेंगे। जैसे वीरू जी ने बहुत सही फरमाया कि मोमेंटम तो है नहीं, बट वो काउंटर्स ऐसे बहुत सारे हैं जो सपोर्ट पे मिल रहे हैं और आज की मार्केट में भी बहुत बड़ा फॉल नहीं दिखा है। सो उसमें से एक काउंटर है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। देखिए, एक डाउन ट्रेंड था, इसका ब्रेकआउट आया था 104.50 रुपए पे और काउंटर क्लियर हायर टॉप हायर बॉटम बना रहा है। इनफैक्ट अभी 112 के हाई बनाने के बाद काउंटर थोड़ा सा नीचे आया है और 109 रुपए पे मिल रहा है। सो 105 के स्टॉप लॉस पे आई थिंक स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया में बाइंग कर सकते हैं और कल या 2 दिन के लिए हम इसका टारगेट कम से कम 115 से 118 तक के एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 118 के लेवल्स के लिए सेल में एक मौका खरीदारी का। आशीष बेहती, आप क्या पिक करेंगे? जी हर्षदा जी, टाटा कम्युनिकेशन पे नजर रहेगी। जिस हिसाब से आज निफ्टी में वीकनेस जरूर देखी, लेकिन ये काउंटर पूरे दिन भर स्ट्रेंथ था। अभी भी 10% का OI बिल्डअप के साथ, ऑलमोस्ट 3-3.5% के गेन के साथ अभी ट्रेड कर रहा है। तो टाटा कम्युनिकेशन में करंट लेवल पे जरूर एक BTST ट्रेड इनिशिएट किया जा सकता है। 1280 का एक स्टॉप लॉस लगाकर 1350 के टारगेट के लिए टाटा कम्युनिकेशन में खरीदारी की सलाह है। टाटा कम्युनिकेशन में बाय की राय है और इस बीच निफ्टी डे लो 17,632। प्रकाश सर, आप बताइए क्या कैरी करेंगे कल के लिए? सर, आप शॉर्ट कैंडिडेट IT क्षेत्र से TCS, 3,700 का स्टॉप लगाना चाहिए TCS पर। मुझे लगता है 3,600 पॉसिबल है TCS शॉर्ट। STBT TCS शॉर्ट करेंगे आप, और आपकी स्क्रीन पर आप देखें TCS डेलो पर ट्रेवल करता हुआ, और समझ लीजिएगा कि 20 और 20 डेमा के नीचे इसकी क्लोजिंग आती हुई और डेलो पर बहुत दिनों बाद अगर आप देखें इस प्रकार का इसने मूव दिया है। काफ़ी हद तक ये आप समझ लीजिएगा कि 8 मार्च से लेके अब तक प्रोटेक्टेड रहा है अपने 100 डेमा के ऊपर, और आज भी जो क्लोजिंग आ रही है वो एग्जैक्टली अगर आप देखें 100 डेमा पर आ रही है मेरे ख्याल से। यस, नॉट एग्जैक्टली, माफ़ कीजिएगा, ये 20 डेमा के नीचे क्लोजिंग है और 50 डेमा पे क्लोजिंग आ रही है। 100 डेमा को इसने वॉलिट कर दिया है आज। आशीष महेश्वरी जी, आप बाजार का सूरत हाल देख ही रहे हैं और बस एक टाटा कम्युनिकेशन है जिसको अगर आप देखें पर लगे हुए हैं डे हाई पर 1350। बताइए सर, आप इस बात के मद्देनजर कि आपको US मार्केट के अगर आप देखें सॉफ्टनेस को झेलना है, आपको कल की RBI की पॉलिसी को देखना है और रेट साइकिल के क्या रिवर्सल कल हो जाएंगे या फिर कल भी अगर आप देखें स्थिर रहते हैं ब्याज दर, उस पर आपको कॉल भी लेनी है एक, बताइए क्या पिक करेंगे आप इस बाजार में इस वक्त शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से? जी हाँ, मैं थोड़ा सा कैश स्टॉक से साथ जाना चाहूंगा। मेरा मानना है जहाँ पे इंडिविजुअल स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरीज है वहां पर यदि बैठेंगे तो बेटर रहेगा। तो जैसे CG पावर हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया है, इतने खराब मार्केट में भी स्टॉक का अच्छा परफॉर्मेंस रहा है और मेरा मानना है ये क्वार्टर उनका वन ऑफ द बेस्ट क्वार्टर रहने वाला है। तो जिसके चलते हुए आप देख रहे हैं स्टॉक्स में ऑलरेडी एक्युमुलेशन शुरू हो गया है। ऐसा ही मेरा मानना है माइनिंग क्षेत्र की कंपनी आशापुरा माइनकैम का, इस कंपनी के भी इस पर्टिकुलर क्वार्टर में चूंकि बॉक्साइट के लार्जेस्ट एक्सपोर्टर हैं इंडिया से, बहुत बेहतरीन नतीजे इस क्वार्टर में उम्मीद आप कर सकते हैं आशापुरा माइनकैम से। तो ये दोनों स्टॉक मेरी तरफ से। तो ये देखिए कैश साइड के ट्रेड्स पर फोकस इस समय आता हुआ, छोटे टिकट